वेलकम टू विद्याफर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और अब हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बातचीत की थी एग्रीगेट डिमांड क्या है और अब मैं बात करने वाला हूं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो जैसे हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सप्लाई क्या होता है। सप्लाई इट मीन्स द विलिंगनेस ऑफ सेलर टू सेल पर्टिकुलर थिंग्स एट ए पर्टिकुलर प्राइस। किसी पर्टिकुलर प्राइस पर सेलर कितनी चीज़ें बेचना चाहता है उसको हम लोग जो है सप्लाई बोलते हैं। तो वहाँ तक बात थी अपनी इंडिविजुअल सप्लाई की, बात थी मार्केट सप्लाई की बात थी। उसमें और एग्रीगेट सप्लाई में एक बेसिक डिफरेंस ये है, या जो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है वो ये है कि यदि आप बात करें इंडिविजुअल सप्लाई की, तो एक पर्टिकुलर चीज़ को एक सप्लायर कितने किसी प्राइस पर कितने क्वांटिटी सेल करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहता है, उसको आप इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे। या एक पर्टिकुलर चीज़ की किसी पर्टिकुलर प्राइस पर पूरा मार्केट कितना प्रोड्यूस करना चाहता है उसको आप मार्केट सप्लाई बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हम एग्रीगेट सप्लाई की, तो ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है कि हम किसी एक चीज़ की बात नहीं करते हैं, या हम कुछ गिने चुने सप्लायर की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ बात करते हैं जितने भी सप्लायर हैं पूरी इकोनॉमी में, वो सारे सप्लायर मिलकर के सारी चीज़ों का, किसी एक चीज़ की बात नहीं, सारी चीज़ों का कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, वो जो प्रोडक्शन करने की चाहत है, वो प्रोडक्शन करने की चाहत को ही हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इट मीन्स ये कि टोटल एक इकोनॉमी कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, राइट। एक इकोनॉमी टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रही है। अब हम आते हैं इसके कंपोनेंट पर कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो इससे पहले आप एक चीज ये समझिए कि आउटपुट बोले या इनकम बोले, बात एक ही है। वो कैसे? वो ऐसे, देखिए, हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ रखा है कि आपका दो टाइप के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। अब हाउस होल्ड जो है फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। इनको ये लैंड प्रोवाइड करता है, लेबर प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, राइट, और भी जितने फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है ये प्रोवाइड करता है। अब ये सारे फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के बदले में फर्म इन्हें क्या करती है? फर्म इन्हें पेमेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, या जिसको हम इनके लिए फैक्टर पेमेंट और इनके लिए फैक्टर इनकम बोल सकते हैं। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने के बदले में इन्हें क्या मिलता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने के बदले में इन्हें मिलती है फैक्टर इनकम, राइट। फैक्टर इनकम मिलती है, यानी कि फैक्टर इनकम क्या क्या शामिल होता है? रेंट शामिल होता है, रॉयल्टी शामिल होती है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आता है, और भी चीज़ें शामिल हो सकती है, राइट। तो यानी कि जब भी कोई चीज़ बनी है, कोई भी जितना भी प्रोडक्शन इन लोगों ने किया, जितना भी आउटपुट इन लोगों ने जनरेट किया होगा, फंक्शन ने जितना भी आउटपुट जनरेट किया होगा, उस आउटपुट में किसी को रेंट मिली होगी, किसी को रॉयल्टी मिली होगी, किसी को इंटरेस्ट मिला होगा, किसी को प्रॉफिट मिला होगा, राइट। तो या तो हम ये सारा टोटल कर लें, या फिर हम टोटल आउटपुट को प्लस कर लें, दोनों की बात बराबर ही है। तो आई मीन टू से दैट आप उसको आउटपुट बोले या फिर आप इनकम बोले, यदि हम पूरे मतलब इकोनॉमी के लेवल पर यदि हम बात को देखें, तो आउटपुट बोले या फिर इनकम बोले, बात एक ही है। तो इस बात में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आउटपुट और इनकम कोई बहुत अलग अलग नहीं। हम यहाँ इस लेवल पर जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटपुट और इनकम जो है वो एक ही है, क्योंकि इनकम को प्लस करो या टोटल कितना चीजें बनाई है उसको प्लस कर लो, बात सिंपल सी बात है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल और आपको देना चाहता हूँ। से फॉर एग्जांपल, ये जो चौक बनी, अब ये मान लीजिए ये चौक जो है 10 रुपए की, इस 10 रुपए की चौक में किसी के पास मजदूरी के पैसे गए होंगे, किसी के पास जो है रॉयल्टी गई होगी, किसी के पास इंटरेस्ट गया होगा, किसी के पास प्रॉफिट गया होगा, किसी को रेंट मिला होगा, तब जाकर के ये मार्केट में 10 रुपए की चौक है, या ये 10 रुपए की चौक आपके सामने आई। तो 10 रुपए का आउटपुट बोलते हैं या 10 रुपए की लोगों को इनकम बोलते हैं, बात एक ही है। ऑलराइट, तो एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट होंगे वो कौन होंगे? वो यही होंगे जो आपके इनकम है। तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं, आपने जो चैप्टर नंबर 4 में नेशनल इनकम पढ़ा होगा, तो नेशनल इनकम में आपने पढ़ा होगा इनकम मेथड के जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट एग्रीगेट सप्लाई के, राइट। क्योंकि वहां हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और यहां हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? यहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई बोले या आउटपुट बोले या इनकम बोले, तीनों की बात एक ही है। तो टोटल इनकम कैलकुलेट करना या टोटल आउटपुट कैलकुलेट करना या टोटल एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करना एक ही बात है। तो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट कौन कौन से हुए? एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट होंगे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको मिला के क्या बोल सकते हैं, हमें पता है इनको क्या बोलते हैं, इन सबको मिला के हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोल सकते हैं, राइट। इसके अलावा मिड डे इनकम होता है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका जो कंपनसेशन आप एम्प्लॉई है, ये सारे जितने भी इनकम मेथड के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट किसके कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट है, राइट। तो ये चीज़ तो हमें बेसिकली हमें इसको समझने के लिए मैंने सर आपसे डिस्कस की, लेकिन आगे हम बात करते हैं कि यदि टू सेक्टर इकोनॉमी में इसको हम डिस्कस करें, यदि टू सेक्टर इकोनॉमी में डिस्कस करें तो इसको हम जो हमें यदि हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमें सिर्फ को टू सेक्टर इकोनॉमी में ही रिप्रेजेंट करना है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में यदि आपको वो आपको उससे पूछा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, उसको आप रिप्रेजेंट करें शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू, तो वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देख पाए। तो गाइस बात करते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या चीज़ें शामिल है। देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई है या इनकम है, दोनों एक ही बात है। तो इनकम जो है उसको हम दो हिस्सों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भी आपके पास जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई है या इनकम है वो या तो आपने कंज्यूम कर ली होगी या फिर आपने सेव कर ली होगी, या तो आप कंज्यूम करेंगे या फिर आप सेव करेंगे। तो हम यदि कंजम्पशन और सेविंग को प्लस कर ले तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा टोटल इनकम, राइट। आप टोटल इनकम बोल दें एग्रीगेट सप्लाई बोलते बात एक ही है। तो कंजप्शन में और सेविंग में इन दो दो कंपोनेंट में जो है आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो रहती है। तो हम कंजप्शन और सेविंग दोनों फाइंड आउट करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। खैर पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमको पता है जैसे हम लोगों ने पहले भी एग्रीगेट डिमांड के टाइम में हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड को यदि हम उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आउटपुट के लेवल पर या हम उसको जो है इनकम के लेवल पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आउटपुट का लेवल लिख लिया, या आउटपुट की बजाय आप बोले आप इनकम का लेवल बोल दें या आप इम्प्लॉयमेंट का लेवल इसको आप बोल दें, तीनों में का लगभग यहाँ पर एक ही मीनिंग है। तो ये वाले लेवल को मैंने लिखा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, राइट। ये आउटपुट का मैंने लेवल मान रखा है। अब जब हमें आउटपुट हम जीरो प्रोड्यूस करना है या हम बोल दें कि इनकम जब हमें जीरो हो रही है, कोई भी इनकम नहीं भी हो रही हो, तब भी कोई ना कोई खर्च जरूर होता है। ये हर लेवल पर रहने वाला जो खर्चा है जो कि इनकम के बढ़ने या कम होने से जिस पर फर्क नहीं पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। और ऑटोनोमस कंजप्शन में जैसे जैसे हमारी जो इनकम बढ़ रही है तो इनकम का कुछ हिस्सा भी मिल जाएगा। अब जब इनकम का कुछ हिस्सा मिल जाएगा तो कंजप्शन जो है बढ़ता जाएगा। जैसे आपका इनकम बढ़ी 0 से 10 हो गई, पहले 0 पर ₹10 खर्च था, अब जब आपकी ₹10 जब आपकी इनकम बढ़ी है तो ₹10 आपकी इनकम बढ़ी तो इसका 50% मैं मान रहा हूँ कि हम कंज्यूम कर जाते हैं। तो 50% इसका हमने लेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹5, यानी कि ये हो गया 10 का 15। फिर 15 में फिर वापस जो ₹10 बढ़े इसके ₹5 ले तो हो गया 20। फिर हम बढ़ाएंगे तो ये हो गया 25। फिर हम 5 बढ़ाएंगे ये हो गया 30। फिर हम 5 बढ़ाएंगे हो गया 35। फिर हम 5 बढ़ाएंगे 40। और फिर हम 5 बढ़ाएंगे हो गया 45। ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने कंजप्शन को लिख लिया। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई। बी इट मीन्स ये कि ऑटोनोमस कंजप्शन तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि जो 10 है तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बी। बी यानी कि जो हम कंजप्शन जो हम इनकम है उसका हिस्सा कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनकम का जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 का 0.5 यूज कर लिया तो ये हो गया 5, तो यहाँ आ जाएगा 15। तो ये जो बी है इस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एमपीसी से, इसको बोला जाएगा एमपीसी। तो आप बी लिखें या फिर एमपीसी लिख लिए, ये एक ही बात है, ठीक है। तो कंजप्शन इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, ये आपका कंजप्शन फंक्शन है, राइट। ये एक फार्मूला है। खैर वापस इसी बात पर मैं आता हूँ। ये कंजप्शन आपने फाइंड आउट किया, 10 एक बार लिखा, फिर उसके बाद 5 बढ़ाते जाओ, लिख लिया आपने। इसके बाद में आपने क्या करना है, सेविंग पता करना है। देखो आउटपुट का लेवल और इनकम का लेवल जब एक ही होता है तो जब इनकम में से कंजप्शन जाएगी तो बचेगा क्या, सेविंग, यानी कि ये क्या आएगा -10। फिर इसमें से माइनस करें क्या आएगा -5। इसमें माइनस करें क्या आएगा 0। 30 में से 25 माइनस करें क्या आएगा 5। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। फिर 50 में से 35 माइनस करें कितना आएगा 15। फिर 60 में से 40 माइनस करें कितना आएगा 20। फिर 70 में से 45 माइनस करें कितना आएगा 25, राइट। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि ये सेविंग आ गई, राइट। तो सेविंग आ गई। अब आप लोगों ने बोला सर ये तो आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो मैंने पहले ही बोला कि आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई एक ही बात है, इनकम एक ही बात है।
ठीक, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, वो यही आएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई आ गई। अब इसमें हमें रिप्रेजेंट करने लायक बात यह है कि देखिए आप, जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि जहां पर कंजप्शन और जो इनकम है वो आपकी बराबर होती है, वहां पर सेविंग जो क्या होती है, जीरो होती है। तो जब आपको एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपली आप एक शेड्यूल बना सकते हैं और शेड्यूल बना करके उसको आप एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब जब डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे कि आउटपुट पर आपको इनकम को रिप्रेजेंट करना है, और आउटपुट और इनकम को जब हम एक ही मान रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ केन्सियन, केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट मतलब जो कहीं केन्सियन थ्योरी पर बेस्ड है ये सारे कॉन्सेप्ट, तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि आउटपुट और इनकम एक ही होते हैं। तो आप जब जीरो पर जीरो को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट यहीं पर आएगा। फिर टेन पर आप टेन को रिप्रेजेंट करोगे तो मान लीजिए टेन यहां पर है, ये टेन यहां पर है, तो ये टेन है यहां पर, फिर ये ट्वेंटी होगा, फिर ये थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी, इसी टाइप से ये टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी और ये आप सेवेंटी मान ले, ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप यदि इसको पॉइंट आउट करेंगे तो टेन पर टेन है, ट्वेंटी पर ट्वेंटी, तो एक स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन बनेगी, और ये 90 डिग्री लाइन जो अपवर्ड लाइन बनेगी इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई लाइन। क्या बोलेंगे हम इसको, एग्रीगेट सप्लाई लाइन बोलेंगे, राइट। तो ये जो कर्व है ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक। आपने सिंपली कंजम्पशन और सेविंग को रिप्रेजेंट किया और एग्रीगेट सप्लाई की आपने एक कर्व बना दिया। आपको इसमें ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो आपने क्या करना है, आपको जो है एक सेविंग कर्व बना दो। अब सेविंग कर्व देखिए माइनस से स्टार्ट हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि माइनस टेन यहां पर है तो माइनस फाइव जो है वो यहां पर होगा, ठीक। अब आप इसको देखेंगे जीरो कहां पर है, ट्वेंटी के यहां पर जीरो है, तो ट्वेंटी के यहां पर जीरो है। इसको यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से, आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। अब आपको एक और चीज देखने को मिल रही होगी कि जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पर सेविंग क्या होती है, ये सेविंग कर्व है, और जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पर क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई और कंजप्शन जो है वो बराबर होंगे। या हम ऐसा बोल दें कि जहां पर आउटपुट लेवल और कंजप्शन लेवल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने यदि मान लीजिए आप एक कंजप्शन का कर्व बनाओगे तो कंजप्शन का कर्व 10 से स्टार्ट होगा, फिर 15, फिर 20, तो 10 से स्टार्ट होगा जीरो पर, फिर 15, फिर जो है 20, तो ये कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा और कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जो है बराबर बराबर आ रहे हैं, ठीक। तो सिंपली ये सब एक रिप्रेजेंटेशन है कि ब्रेक इवन, अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं यार कि जो आपको ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रहा आपका सप्लाई कर्व, ये रहा आपका सप्लाई कर्व जो कि 90 डिग्री पर रहेगा, इसको आप इनकम कर्व भी बोल सकते हैं। यदि इस पर यदि आप कंजम्पशन कर्व को प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से रहेगा, और इस कंजम्पशन कर्व जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है उसी लेवल पर आपका यदि आप जो सेविंग कर्व है उसको प्लॉट कर देंगे तो जहां सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करेगा जीरो लेवल पर उसी लेवल को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, या हम बोल सकते हैं कि जहां कंजम्पशन और इनकम कर्व जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसी लेवल को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो अल्टीमेटली इस टॉपिक में हमें समझना था कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और उसका डायग्राम ये रहा, उसका शेड्यूल ये रहा, ठीक। इस शेड्यूल को बड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस MPCY करेंगे तो कंजप्शन आता है, और यदि इसके थ्रू हमें सेविंग निकालना हो तो सेविंग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस MPCY, यानी ये वाला जो फॉर्मूला हमें ये कर लिख देंगे, सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, और सी का मीनिंग ये रहा तो सी का मीनिंग मैंने यहां पर रख दिया तो ये क्या बन गया, ये आ गया सेविंग। तो और इसी को ही आप क्या बोल सकते हैं, सेविंग फंक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका कंजप्शन फंक्शन, ये रहा आपका सेविंग फंक्शन, ये रहा आपका
यदि मैं इसको सिंपली सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई कर्व की बात करूँ तो ऐसा 90 डिग्री का आप यदि आप कर्व बना देंगे तो ये रहा सप्लाई कर्व, या इसको आप यहाँ दिखा दें सप्लाई कर्व, ये रहा कंजप्शन कर्व, ये सेविंग कर्व, ठीक, ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें इतनी ही बातें डिस्कस करना थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल कैसे जो है रिप्रेजेंट करें, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और ये सारी जो बातें हैं, यदि मान लीजिए इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन है भी तो कोई वाली बात नहीं, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में वापस से हमें रिविजन करना ही पड़ेगा इनका। हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई सब कुछ पढ़ेंगे जब जाकर के हम जो है इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुँच पाएंगे। ठीक, तो ये केंसियन की थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं और आई होप कि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।